हेलो दोस्तों, मैं शिवम आप सभी का अपने चैनल हिंदी शॉर्ट हैंड शो पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के सेशन में मैं आपके लिए लेकर आया हूं आईटीआई प्रीवियस पेपर हिंदी डिक्टेशन। यह आईटीआई का 8वां पेपर है। 7 पेपर की डिक्टेशन हो चुकी है। आप प्रीवियस वीडियो पर जाकर उसे देख सकते हैं, डिक्टेशन को लिख सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और जो आपकी डिक्टेशन में गलती आती हैं उसे भी कमेंट करके आप ज़रूर बताएँ। फ्रेंड्स, आईटीआई का जो 8वां पेपर है इसके कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड हैं जिसकी सहायता से आप अपनी डिक्टेशन को बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स उन वर्डों की तरफ। फ्रेंड्स, आप इन वर्डों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की डिक्टेशन की स्पीड होगी 80 शब्द प्रति मिनट, ट्रांसलेट का समय होगा 45 मिनट और पढ़ने का समय होगा 5 मिनट। डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। रेडी स्टार्ट। सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट प्रस्तुत किया है उस पर कल से इस सदन में बहस चल रही है। यह ठीक कि सभी सदस्यों द्वारा इस बजट को बनाने के लिए मंत्री महोदय की सराहना की जा रही है और कुछ सदस्यों ने उन्हें बधाई भी दी है। बजट के संबंध में मैं सदन में कुछ प्रश्न उठाना चाहता हूँ। पिछले कुछ वर्षों से हमारे नेता सदन में और सदन के बाहर भी कहते आ रहे हैं कि देश से गरीबी दूर हो जाएगी, बेरोजगारी को समाप्त किया जाएगा और किसानों को अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जाएगा, देश समाजवाद लाने का प्रयत्न किया जा रहा है। इस संबंध में सदन में कई बार विधेयक प्रस्तुत किए गए हैं, किंतु इन समस्याओं की ओर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना दिया जाना चाहिए। आम जनता की सबसे पहले मांग होती है कि महंगाई ना बढ़े, उनकी आवश्यकता की चीज़ें सस्ते मूल्य पर उन्हें आसानी से मिल सकें। मंत्री महोदय के इस बजट में प्रत्यक्ष रूप से कहीं पर कोई ऐसा उल्लेख नहीं है जिसमें ना कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान हो सके और आम जनता को राहत मिल सके। लोगों को उनके इस बजट से बड़ी निराशा हुई है। पैराचेंज महोदय स्वतंत्रता की लड़ाई के बाद हमारे देश में प्रजातंत्र की स्थापना की गई थी। सभी सदस्यों को मालूम है कि उस समय हमारे देश के नेताओं ने यह सोचा था कि हमारे देश में जनता का शासन होगा और उसी के साथ साथ देश में समाजवाद की स्थापना भी की। शासन से आम जनता को कोई लाभ नहीं मिल पाया। इस सब के पीछे दोष किसका है? यदि जनता की भावनाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, उसे
कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और देश में अर्थव्यवस्था फैलती है तो दोष सरकार को ही दिया जाता है। आज देश में जिस तरह की व्यवस्था है उसे अच्छा नहीं माना जा सकता है और इसी कारण जनता के मन में शासन के प्रति अविश्वास पैदा हो रहा है। अंत में मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि सदन में देश की बिगड़ती हुई स्थिति पर गंभीरतापूर्वक विचार करके कुछ ऐसे बजट पेश किए जाएं जिससे लोगों में विश्वास पैदा किया जा सके। स्टॉप। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यह डिक्टेशन पसंद आया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।